हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी, वो है लोरियल पेरिस का क्ले शैम्पू का। मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज और आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। आप भी अगर चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो बहुत से इसके शैम्पू वगैरह आते हैं और इसकी लिप्स लिप केयर भी आता है और इसका फाउंडेशन शायद आता है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया बट हाँ आता है शायद। और बहुत ही अच्छा है, इसके जितने प्रोडक्ट हैं मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन ये कुछ स्पेशली मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें क्ले है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये इससे मेरे जितने भी बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर होते थे, स्कैल्प बहुत ऑयली होता था, तो उससे अब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। और जो लेंथ के रूट्स वगैरह होते थे नीचे, लेंथ के एंड्स वगैरह, रूट्स नहीं सॉरी, और ये एंड्स वगैरह, ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अब ये मेरे ड्राई नहीं रहते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा सूट भी कर रहा है। और ये अभी इसका ये मैंने बड़ा ख़रीदा है, अगर आप चाहें तो इसका छोटा पैक आता है तो आप ट्राई करने के लिए ख़रीद सकते हो छोटा पैक, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या नायका से या फिर अमेजोन से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको ये कितने का पड़ेगा। वैसे तो मैंने ये लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है, अपने पास की मार्केट से, तो ये मुझे जितने का इसमें लिखा हुआ है, जितने का इसमें प्राइस दिया हुआ है, मैंने उतने का ही परचेस किया है इसको। और ये मैं बड़ा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ये मेरे हेयर्स के लिए 1 ईयर्स तो ये चली जाता है क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही नहीं डायरेक्ट यूज़ करती हूँ, और डायरेक्ट यूज़ करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को भी अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है कोई भी शैम्पू है क्योंकि इसमें केमिकल्स, ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल नहीं है क्योंकि ये 2 से 3 ईयर्स के लिए होते हैं, रखे रहते हैं। घर पर भी यूज अलग अलग तरह से करते हैं हम लोग, कोई कोई बहुत तरह के शैम्पू यूज़ करता है तो शायद इसकी टाइम लिमिट बढ़ जाती है, तो इस वजह से आप इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रखा रहता है ये घर में और यूज़ होता रहता है क्योंकि ख़राब नहीं होगा ये। अगर इसमें अगर कुछ इस तरह के केमिकल्स वगैरह नहीं होंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा और हम लोगों के बाल को भी ये ख़राब कर देगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये है लोरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्ले शैम्पू है, ये प्यूरिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग शैम्पू है। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। ये क्लेम क्या करता है कि एंटी ऑयलिंग, ऑयलनेस को दूर करता है, फ्रेश हेल्दी लुकिंग हेयर रखता है, सॉफ्ट फ्रिजी फ्लोइंग हेयर रखता है ये, और ये ऑयली स्कैल्प और ड्राई एंड्रेस नहीं होने देता है। अगर आपके ऑयली हेयर हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है आपके हेयर्स में, और या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं आपके एंड वगैरह, जो लेंथ के जो एंड होता है वो बहुत ड्राई रहता है, तो उसको ये ट्रीट करता है। ये बहुत ही और प्योर क्ले का है ये, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ हमेशा, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये अक्टूबर 2018 में ये मैन्युफैक्चर हुआ था और ये एक्सपायर करेगा सितंबर 2021 को, तो इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। आप इसको, ये 300 ml है और 36 ml ये फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें, ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये मैंने बड़ा साइज़ लिया है, 282 का है ये, मैंने मार्केट से लिया है। अगर आप इतना बड़ा साइज़ लेंगे तो आपको वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में कम पड़ेगा शायद, और जैसे नायका पर या फिर अमेजोन से आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर यूज़ करना है तो आप इसका छोटा पैक आप यूज़ कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो आप ये बड़ा भी खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छा शैम्पू होता है ये, इसके साथ कंडीशनर भी आता है, इसके साथ नहीं आता है, मतलब एक्चुअली कि ख़रीदना पड़ेगा आपको अलग से, लेकिन कंडीशनर भी इसका बहुत ही अच्छा है एकदम। मुझे इतने अच्छे हेल्दी ईयर्स, ये देखिए मेरे बहुत शाइनी ईयर्स हो गए हैं, बहुत ही एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ईयर रहते हैं, एंड्स वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं।
मेरे बाल एकदम नहीं टूटते हैं अब, बहुत ही पहले बहुत ज़्यादा टूटते थे। द प्रॉब्लम ऑयली रूट्स एंड ड्राई लेंथ्स के लिए है ये, और इंडियन सेंस में पाउडर ऑफ क्ले, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा है। ऑफ डीपली प्यूरिफाइंग योर हेयर, तो आपकी ये अंदर तक अच्छे से डीपली जाकर ये क्लीन करता है आपके हेयर्स को, आपके स्कैल्प पे जितना भी ऑयल होगा वो इससे रिड्यूस हो जाएगा, क्लीन कर देता है एकदम। और इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, आप इसको जब खरीदेंगे तो आप इसको देख सकते हो कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। और इसमें जो भी आपके अगर और कोई प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर फ़ोन करके भी आप इसको देख सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको किस तरह की क्या प्रॉब्लम है आपको। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया है इसका रिव्यू और ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैंने इसको ट्राई करना अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि इसको मैं सिर्फ अपने मग में थोड़ा सा लेती हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी लेती हूँ और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स करके फिर अपने हेयर्स के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर डालती हूँ, फिर मैं रब कर लेती हूँ अच्छे से, तब जाके ये अच्छे से वर्क करता है। कोई भी शैम्पू है आपको इसी तरह से यूज़ करना है, क्योंकि आपको अपने डायरेक्ट हेयर्स पर कोई भी शैम्पू है, कोई भी केमिकल है, आपको नहीं लगाना है। अगर आप केमिकल यूज़ करेंगे अपने बालों में, स्कैल्प पर यूज़ करेंगे, तो आपके बाल टूटने ही हैं, झड़ने ही हैं, कुछ भी होगा, मतलब बाल अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। इसलिए बालों के लिए बहुत ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो आप इसका ये तो यूज़ करिए ही, शैम्पू कोई भी शैम्पू यूज़ करिए। उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर करने के बाद आपको सीरम ज़रूर लगाना है, तो इसका कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी 400 या 500 का है, वो मैंने परचेस किया था, मैंने अपने लोकल मार्केट से ही परचेस किया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कलर भी, और दीपिका पादुकोण ने इसकी एडिंग की है, एड के एड में आई है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसको यूज़ किया और इसका कंडीशनर भी यूज़ कर लिया है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, और बस थोड़ा ही इसको आपको यूज़ करना है, कोई भी शैम्पू है, कोई भी चीज़ है, तो आपको थोड़ी ही अमाउंट में, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भर भर के यूज़ करना है। आपके स्कैल्प, आपके बालों की लेंथ कितनी भी हो, लेकिन आपके बालों की लेंथ के अनुसार आपको ये लेना है अपने मग में, और कोई भी शैम्पू और पानी डालकर आपको यूज़ कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर उन लोग को नहीं पता है तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मेरे चैनल नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को हिट करेंगे, मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।